क्या तुम्हें पता है डेडपूल ने एक बार कैप्टन अमेरिका को विलन बना दिया था? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। डिस्पिकेबल डेडपूल कॉमिक के 296 इशू में हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका एंड डेडपूल एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एंड इस लड़ाई का रीजन एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। डेडपूल कैप्टन अमेरिका को एक के बाद एक पंच करता है, एंड ये देख के यही लग रहा था कि डेडपूल क्लियरली कैप्टन अमेरिका पे भारी पड़ रहा है। बट अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि कैप्टन अमेरिका अभी तक होल्ड बैक कर रहे थे, बट इसके बाद वो डेडपूल के हर एक अटैक को डॉज करते हैं एंड उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं। एंड इससे पहले कि डेडपूल कोई भी काउंटर अटैक करता, वो डेडपूल को जमीन पे पटक देते हैं, एंड वो डेडपूल से कहते हैं कि अब वो फाइट नहीं करना चाहते। बट जब डेडपूल मना कर देता है, तब कैप्टन अमेरिका गुस्से में आके एक स्वॉर्ड को डेडपूल के पीठ में घुसा देते हैं। बट ये गुस्सा उन्हें बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि इस पूरे सिचुएशन को वहाँ खड़े कुछ छोटे बच्चे देख रहे थे। ये पता चलते ही कैप्टन अमेरिका बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाते हैं, एंड इसी मौके का फायदा उठा के डेडपूल वहाँ से भाग जाता है। अब तुम सब मुझे एक बात जेन्युइनली बताना, अगर डेडपूल एंड कैप्टन अमेरिका की फाइट हो रही है तो तुम किसे चुनोगे?